मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मशहूर टीवी सीरियल कलाकार वैशाली ठक्कर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और इस घटना के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वैशाली ठक्कर की आत्महत्या का मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के साईं बाग कॉलोनी का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MS अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि टीवी सीरियल कलाकार वैशाली ठक्कर कई साल से इंदौर में रह रही थी और यहां वैशाली ठक्कर ने अपने इंदौर स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक वैशाली ठक्कर स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से शुरुआत की थी और इस सीरियल में संजना का किरदार निभाया था, जिससे ये बहुत ही फेमस हो गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है और इसके साथ ही पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। वैशाली ठक्कर ने अपनी करियर की शुरुआत एंकरिंग से की थी। साल 2015 में उन्हें स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना का किरदार निभाने का मौका मिला था। उन्होंने इस टेलीविजन शो में खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। इस शो के बाद उन्होंने ये वादा रहा, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर, लाल इश्क और विश और अमृत में नजर आई। वैशाली का सबसे पॉपुलर किरदार ससुराल सिमर का अंजलि भारद्वाज का था, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन पेटल अवार्ड्स के बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल में सम्मानित भी किया गया है। वैशाली मूल रूप से उज्जैन के महिदपुर की रहने वाली हैं। बहरहाल ये कोई फिल्मी कलाकारों का इस तरीके से आत्महत्या करना कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई कलाकारों ने किसी न किसी वजह से अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी हैं। टीवी धारावाहिक अभिनेत्री प्रेक्षा मेहता भी 2 साल पहले इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या कर चुकी हैं। प्रेक्षा कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च को इंदौर आ गई थी। इस दौरान वो डिप्रेशन में आ गई थी। पुलिस ने प्रेक्षा के रूम में से जो नोट बरामद किया उसमें लिखा था, मेरे टूटे हुए सपनों ने मेरे कॉन्फिडेंस का दम तोड़ दिया है, मैं मरे हुए सपनों के साथ नहीं जी सकती, इस नेगेटिविटी के साथ रहना मुश्किल है, पिछले 1 साल से मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं थक गई हूँ। इसके साथ ही प्रेक्षा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आखिरी बार एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। आपको बता दें कि पिछले साल अप्रैल के महीने में वैशाली ने सगाई की थी और एक्ट्रेस ने अपनी रोका सेरेमनी का वीडियो भी शेयर करके फैंस को गुड न्यूज दिया था। एक्ट्रेस की सगाई परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि सगाई के 1 महीने बाद ही वैशाली ने अपनी सगाई तोड़ दी थी और कहा था कि वो अब अपने मंगेतर से शादी नहीं करेंगी। शादी कैंसिल करने के बाद वैशाली ने अपने रोका सेरेमनी का वीडियो भी सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया था। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या हकीकत सामने लाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।